नमस्कार। तो मेरी और आपकी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के। तो ये वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश में देखा जाता है मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। इस एडिशन में हम बात करते हैं 403 विधानसभाओं की, एक एक कर हर विधानसभा की सियासी तिजोरी को खोलने का काम करते हैं, खंगालने का काम करते हैं। नेतागढ़ दौरे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा काम है कि उन रैलियां दौरे इनसे इतर उनके 5 साल के कामकाज का निरीक्षण किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। क्या कुछ जो उन्होंने काम बताए उनको पूरा किया, जो काम उन्होंने कहे थे 2017 के विधानसभा चुनाव पर क्या उन्होंने उसको पटल पर लाया, इन सभी चीजों को समझने का हमारा अटल विचार है जिसको लेकर इस कार्यक्रम की संरचना की गई है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी विधानसभा पर जाने वाले हैं जिसकी अलग ही रीत है। इस विधानसभा में हर कैंडिडेट ने, हर पार्टी ने अपने आप को रिपीट किया है। 1996 ऑनवर्ड्स जो भी पार्टी आई है उसने अपना दो गेम खेला है, रिपीट गेम खेला है। ऐसे में आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं बदायूं की, दातागंज विधानसभा की। बदायूं का जिक्र हर कोई जानता है, समझता है। इस वक्त बदायूं के हालात क्या है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बदायूं की दातागंज विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं राजीव जी। तो राजीव जी जो है वो दातागंज सीट से मौजूदा विधायक हैं, राजीव कुमार सिंह। इन्होंने बीएसपी के सिनोद कुमार शाक्य को 2017 में शिकस्त दी थी। सिनोद कुमार शाक्य बीएसपी का चेहरा, 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते, 2007 में इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन 2017 में राजीव कुमार सिंह के आगे इनको हार का सामना करना पड़ा। इसको नाम दरअसल मोदी लहर का भी दिया जा सकता है, लेकिन जो वादे, जो दावे लेकर राजीव कुमार सिंह मैदान में आए थे क्या उन्होंने उनको पूरा किया है, इसको जानेंगे, परखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माहौल में ढालते हैं आपको। माहौल में ढालने के लिए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं दातागंज विधानसभा की। तो दातागंज विधानसभा आखिर दिखता कैसा है, पहले आप उस माहौल में आइए, उस क्षेत्र का एक भ्रमण करिए, डिजिटल भ्रमण करिए। तो दातागंज विधानसभा जो है उसका हम डिजिटल भ्रमण करा रहे हैं आपको। आप डिजिटल भ्रमण करिए और थोड़ा सा उस माहौल में आइए कि विधानसभा जो है वो आखिर दिखती कैसी है। ये देखिए, सांस्कृतिक धरोहर भी समेटे हुए है विधानसभा। इसके साथ ही साथ कैसा दिखता है विधानसभा का स्वरूप वो भी आप देखिए। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं कि दातागंज विधानसभा में आखिर मुद्दे क्या हैं, इसको ज़्यादा जानने और समझने के लिए हमारे रिपोर्टर विजय राठौर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूंगा आपको कि यहाँ पर भैया का बड़ा प्रचलन है। जैसे अब विधायक जी के लिए बब्बू भैया, कोई राजू भैया, तो ऐसे भैया का बड़ा प्रचलन है। इस भैया वाली सीट का आज अंक गणित जानेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 3,46,000 से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। पिछली दफ़ा बम्पर वोटिंग हुई थी राजीव कुमार सिंह के नाम पर, लेकिन क्या इस बार फिर वो विधानसभा को जीतने जा रहे हैं, फतेह हासिल करने जा रहे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय राठौर साहब। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। विजय जी अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप मुझको थोड़ा सा पहले दातागंज विधानसभा के बारे में बताइए, दातागंज विधानसभा के जमीनी मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार वोटिंग होने वाली है। देखिए, अगर दातागंज विधानसभा की बात की जाए तो दातागंज विधानसभा में जो, जैसा कि आप बता रहे थे कि दोहराने का जो रीति है, अगर बात करें इससे पहले तो दो बार जो है बसपा के विधायक विनोद कुमार शाक्य रहे हैं। 2017 में जो है 23,000 मतों से जो है उन्हें मात मिलने के बाद बब्बू भैया राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया जो है विधानसभा पे कब्जा जमाए थे, और अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया फिर से रिपीट कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर दातागंज की बात की जाए तो बब्बू भैया की अगर बात की जाए तो 3,000 करोड़, ठीक है, एक विधानसभा के लिए बहुत बड़ी राशि है। 3,000 करोड़ का दावा करते हैं कि हमने जो है काम कराए हैं। 3,000 करोड़ में 1,500 करोड़ का जो है जो वहां पे एथेनॉल प्लांट जो है लगवाया है, उसके साथ साथ कृषि अनुसंधान केंद्र और पीएसी बटालियन जैसे बड़े कार्य विधानसभा में किए हैं। अब देखना ये होगा कि जनता जो है उनको कितना मान करके 2022 में तो उनको रिपीट करके लाती है। जी, एक बड़ी मोटी मोटी बात समझाई जाती है हर विधानसभा की हम बात करते हैं। कहा जाता है कि इससे पहले जो शासन हुआ करता था उसमें गुंडई बहुत देखने को मिलती थी, इस बार गुंडई पर काबू किया है हमने, गुंडई पर लगाम लगाई है हमने, ये कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए गुंडागर्दी जिस तरह से होती थी, जिस तरह से लोग गुंडागर्दी और सरेआम लूट
से जो है अब देखा जाता है, तो अगर विधानसभा ही नहीं पूरा जनपद में जो है कहीं ना कहीं ये शांति है और पूरा जनपद जो है इस जैसे गुंडागर्दी से, लूट से और अपराध जो है वो उनसे जो है निजात कुल मिला के मिल चुकी है। ठीक है, और शिक्षा स्वास्थ्य इनके पैमाने पर भी हम आंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग हो तो उनसे बातचीत करिएगा और देखिएगा कि आखिर माहौल क्या है। जी, कुछ लोग हमारे पे पीछे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ जो है ये मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ गांव से भी लोग आते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पिछले सरकारों में जो गुंडागर्दी थी उस तरह से जो है गाँव का आज माहौल कैसा है, कैसा माहौल है गाँव का। अच्छा, जैसे पहले जो जिस तरह से गुंडागर्दी थी, लूट खसोट, आज राह चलते चलते जिस तरह से राहजनी हो जाती थी, आज का माहौल क्या है, कैसा माहौल है, क्या कहेंगे बीजेपी सरकार में सब ठीक चल रहा है। थोड़ा सा शिक्षा और स्वास्थ्य के पैमाने पर भी जरा टटोलिए कि क्या माहौल है, क्या हालात है। तो देखिए, इस समय जो है माहौल पिछली सरकारों की अपेक्षा इस बार क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा और क्या लग रहा है 2000 हमारे तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत लग ही ना रहो हम कैसे कैसे सुविधा हमें मिला है, खाने का मिला है। और बात करेंगे, आगे चल रहा हूँ, क्या पहले की अपेक्षा इस बार जो है स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर कितना जो है विकास हो पाया है। कोई विकास नहीं है, स्वास्थ्य में कितना विकास है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, हमें तो कुछ बढ़िया नहीं लग रही है। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कुछ लोगों को, जो लोग उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हो पाई हैं जिस तरह से स्वास्थ्य में और शिक्षा में होनी चाहिए थी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर जो है विकास नाम के लिए सिर्फ विकास हुआ है, कागजों में विकास हुआ है, धरातल पर जो है उस तरह का विकास नहीं है। ठीक है, जो विधायक जी हैं राजीव कुमार सिंह, उनको लेकर लोगों का क्या तर्क है कि रिपीट कर सकते हैं, उनको आना चाहिए दोबारा, कैसे व्यक्ति है, क्या समझती है वहां की जनता। जी बिल्कुल, मैं इन लोगों को जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं, आपका परिचय। अच्छा, विधानसभा दातागंज से ही है क्या, राजीव कुमार सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, सपा का बोलबाला है। अच्छा, क्या लगता है 2017 से और 22 तक जो है राजीव कुमार सिंह आए तो कितना विकास हुआ। किस तरह से नाराज किया है, गाँव की कैसी समस्याएं हैं। ये और पूछेगा नाराजगी है किससे, प्रदेश सरकार से नाराजगी है या फिर वर्तमान विधायक से नाराजगी। नहीं तो जैसी गाय समस्या ये विधानसभा की तो नहीं है, और ये तो हाँ नाराज है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की जो इन इन कि जो गांव से नाराजगी है वो किसी ना किसी तरह से लेकर देखने को मिल रहा है कि गांव में जो जिस तरह से गांव की रखवाली के लिए किसान परेशान है, अब आवारा जिस तरह से गाय घूम रही हैं वो सबसे बड़ी समस्या यहां पे किसान की है। ठीक है, उसको देखते हुए जो है विजय जी चूंकि आप दातागंज को बड़ी करीब से जानते हैं, विजय जी 2022 से क्या उनका रुझान रहेगा। हाँ विजय जी, चूंकि आप दातागंज जो विधानसभा है उसको बड़ा करीब से जानते हैं, तो वहां पर जो सड़क है, सड़क का हाल क्या है, क्योंकि सड़कों को लेकर भी इस बार काफी जगह पर रोष देखने को मिल रहा है, सड़कों का हाल क्या है। देखिए, अगर बात सड़कों की जाती है तो सड़कों में जिस तरह से जो लिंक मार्ग हैं वो लिंक मार्गों पे उतना विकास नहीं हुआ है, हालांकि जो जैसे स्टेट लेवल के हाईवे हैं या और जो हाईवे हैं उन पे तो काम हुआ है, मगर जो लिंक रोड है, लिंक रोड में भी विधानसभा में जो है बहुत सारे काम ऐसे बचे हुए हैं जिन पर कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, और इससे पहले चूंकि 2017 से पहले बसपा थी, 2007 में बसपा जीती, 2012 में बसपा जीती, ऐसे में इस बार बसपा का क्या माहौल है, बसपा कहीं नजर आ रही है। देखिए, जैसे जैसे राजनीति माहौल गर्मा रहा है उसको देखते हुए जो है सभी पार्टियां अपने जोर शोर पे हैं और बसपा भी अपने उसी जोर शोर पे है। अभी दो दिन पहले अगर बात की जाए बसपा की तो एक ऐसी ऐतिहासिक बाइक रैली थी जो विधानसभा में शायद ना तो किसी सपा या भाजपा में देखने को मिली है, इतनी पूरे विधानसभा से होकर के वो रैली लगभग 2000 से भी अधिक बाइकों को लेकर के तो जो है रैली निकाली गई थी। ठीक है विजय जी, जरा ये जानिएगा कि कोविड काल में यहाँ पर लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी, कोरोना से जंग कैसे लड़ी, क्या उसमें प्रशासन या विधायिका की तरफ से कोई भी
मदद की गई? जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय जो है किस तरह की मदद जो है आप कैसे कर पाए थे? विधायकों ने क्या मैदान में आकर कोई ना दिखाई दो, दिखाई दो कोई पार्टी को? मैं अन्य लोगों से भी जानकारी लेना चाहूंगा कि 2022 अभी 2021 में जो कोरोना आया 2021 दो वर्ष हो गए, तो इसमें ऐसे में क्या विधायकों ने मैदान में आकर के नहीं कोई लाभ नहीं दिया? किस तरह की सुरक्षा कर पाए थे? जैसे पब्लिक जो थी उसी ने सुरक्षा करी थी, और जो यहाँ के बड़े बड़े आदमी उन्होंने सुरक्षा करी थी, नेता लोगों ने। जी बिल्कुल, जब कोरोना काल चल रहा था तब कहीं ना कहीं जो है विधायक या फिर अगर यहाँ के लोकल नेताओं को कहा जाए तो वो भी दुबके हुए बैठे थे, कहीं ना कहीं ऐसी जनता के लिए कहीं निकल करके नहीं आए हैं। अच्छा, एक जाति जो समीकरण है वो भी काफी अहम रहते हैं जब उत्तर प्रदेश चुनावों की हम बात करते हैं, तो ऐसे में जो जातियां यहाँ पर ज्यादा संख्या में है, यहाँ पर ठाकुरों की बात करूँ, शाक्य की बात करूँ, मुस्लिम की बात करूँ, कश्यप की बात करूँ, ये जातियाँ कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? सबसे पहले मुस्लिमों की बात करिएगा, मुसलमान किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है इस बार? देखिए मुसलमान की अगर बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम लोग जो है अधिकतर जो समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, मगर पिछली बार की बात की जाए तो यहाँ पर जितने सपा के भी कुछ कार्यकर्ता और बीएसपी के भी, देखिए जितने मुस्लिम कार्यकर्ता है उन्होंने भाजपा को भी सपोर्ट किया था, और एक बड़ी बात यह थी कि भाजपा को सपोर्ट करने के बाद ये लोग जो है 2022 में भाजपा यहाँ पे रिपीट, मतलब भाजपा 2017 में अपना जो है यहाँ पे बहुमत बचा पाई। अब देखना ये होगा कि जो किसान किस तरह से जिनमें नाराजगी है, हालांकि मुस्लिम लोग इतना नाराज नहीं है, मगर जो नाराजगी उनके अंदर है वो कहाँ जाएगा? ये बड़ी बात है कि सपा का भी जो है अभी बोलबाला है और बीएसपी भी अपनी तरफ कोशिश कर रही है। ठीक है विजय जी, अगर वहां पर कुछ युवा हो तो युवाओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, और बेरोजगारी का जो मुद्दा बनाया जा रहा है इसको लेकर जरा समझिएगा कि माहौल क्या है दातागंज में। जी बिल्कुल, अगर बेरोजगारी की बात करें तो मेरे साथ है तो क्या कहेंगे, इस सरकार में रोजगार मिला है? भैया क्या जो आपको लग रहा है कि रोजगारी बेरोजगारी यहाँ पे बड़ी समस्या है? भैया देखो, 100 पॉइंट खून होता है आदमी के अंदर, 50 पॉइंट जो खून हो वो तो लॉकडाउन ने और नोटबंदी ने ले लो, अब रही हो 50% तो गन्या और सार ले ले रही 25%। नहीं बात रोजगार की आ रही है, अगर रोजगार है जो कहा भैया गन्या रखा रहे रात भर, भैया मेरुआ ना छून मेरुआ भाई आएंगे दूसरे के संग। क्या लगता है जो युवा? अच्छा ये जो युवा है आपके पीछे विजय जी एक सेकंड को इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो युवा है आपके पीछे जो अभी कैमरा देखकर अलग हट गए थे, इनसे कहिएगा कि अगर ऐसे भागेंगे कैमरे से तो फिर इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे? गाय बहुत परेशान करती है, गाय परेशान, सबसे बड़ी समस्या जो है गाय की। और कोई बात रोजगार की आ रही है? रोजगार तो पैसे भी आ रहे हैं खाते में, रुपए आ रहे हैं खेत बारे आ रहे हैं पैसा, ये बात हकीकत है। अच्छा अभी जो है अभी एक योजना चली है ई श्रम कार्ड, श्रम श्रमिकों के खाते में तो कुछ नहीं पैसा आया, वो पैसा कुछ नहीं आया, ई श्रम कार्ड का कुछ नहीं आया, ये बताना परिये परिये में परे ना आए पैसा, अब हमारे भी खाते हमारे घर में चाचा है हमारे ना आए एक पैसा एक ना आए तो किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ वो मिल रही है, हमें जो बात है। अच्छा एक चीज पूछिएगा इनसे 1-to-1 करके, इनसे कहिएगा सिनोद कुमार शाक्य या राजीव कुमार सिंह किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी जो सरकार है उसमें 2022 सरकार बढ़िया चल रही है, 2022 में चुनाव होगा तो किससे चुनेंगे? ना चुनाव तो खैर बढ़िया आप जाते ना कह सकता गंजा फंजा कैसे क्या बात कहते हैं, फिर भी बात अगर जाते हो यार देखिए एक तो भाजपा से राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, बीएसपी से रजत गुप्ता ठीक है, किसे चुनेंगे? ना अबे तो कोई ना प्लान बनाओ तो काउ को ना बनो प्लान, वोटिंग तो करेंगे ना? हाँ वोटिंग करेंगे, मैं अबे सारा मशवरा आदमी करता है सब समय पे करेंगे सब। अच्छा 2022 में यहाँ पे बीएसपी से चेहरा है रचित गुप्ता, भाजपा से है राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, क्या कहेंगे? रजत गुप्ता भी काफी अच्छा माहौल है उनका, काफी अच्छा माहौल है, जी सकते हैं।
मैं आगे भी युवा हैं, कुछ लोग उधर बैठे हुए दुकान में, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि 2022 का जो मुद्दा है वो किससे, 2022 का ताज जो है वो किस पर बनेगा। और सबसे पहले बात रोजगार की करेंगे, आप 2022 में पहले तो यहाँ पे देखिए, राजीव कुमार सिंह बीजेपी से 2017 से और 22 आ गए, कितना विकास हुआ है? विकास तो खैर ठीक ठाक हुआ है कुल मिला के, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत काश्तकार के लिए यूरिया की दिक्कत है, डीएपी के समय पे डीएपी की दिक्कत रहती है, सबसे ज्यादा समस्या है गायों की कर रही है। हमारी विधानसभा में इतनी गायें छुटी हुई हैं, किसान परेशान। यहाँ पर दो चेहरे आते हैं, एक तो राजीव कुमार सिंह, दूसरा बीएसपी ने अभी प्रत्याशी घोषित किया रजत गुप्ता, किसे वोट देना है? बात की बात है सर, तो मतलब जो है सारी पार्टियों के प्रत्याशी तय होंगे, उसके बाद देखते हैं। भाई विधानसभा की अगर बात आती है तो यहाँ पर किस किस तरह के विकास? विकास तो आपको ये दिख रहा होगा, बाहर भी दिख रहा है, देखो यहाँ कोई विकास इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। इस सरकार में केवल 5 किलो अनाज दिया जाता है, उसमें भी एक व्यक्ति को महीने भर खर्चा चलाना पड़ता है, 5 किलो में कौन खा लेगा ये बताओ आप। कोई विकास नहीं हुआ, विकास आदरणीय अखिलेश यादव जी की उसमें हुआ था, माननीय अखिलेश यादव जी जो थे उन्होंने विकास किया है समाजवादी पार्टी में, उसको विकास के लिए देखते हुए उन्होंने 100 नंबर भी चालू की थी, इन्होंने केवल नाम बदले हैं और कुछ नहीं किया है। अच्छा बात रोजगार की आती है तो रोजगार में कितना युवाओं को कितना रोजगार मिला विधानसभा के? विधानसभा के अंदर कोई रोजगार नहीं मिला है, कोई रोजगार यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, पूरी इस विधानसभा की तो बात ही मत करो, बाकी किसी में नहीं हुआ है। अच्छा बात जब विधानसभा के विकास की आती है तो कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा आने वाले 2022 में चुनाव नजदीक है तो किसे चुनेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी। हमारे साथ और भी भैया हैं। एक चीज और विजय जी आपको यहाँ रुकूंगा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट में बताया जा रहा है कि 100 विधायकों के नाम जो है वो कटेंगे, तो ऐसे में क्या राजीव कुमार सिंह पर भी खतरा है? खामियां तो है, समस्या जो किसानों की आती है तो किसानों के लिए भी समस्या बड़ी है। एक देखिए गौशाला, राजीव जी मैं ये कह रहा था, राजीव जी कागजों तक समेट के रह गए, कागजी में कागजों में गौशालाएं चल रही है, मगर जमीन स्तर पर देखी जाए तो गायों की जो समस्या है वो किसानों की जो है खेती जो है किस तरह से फसल गायें उजाड़ देती हैं, ये बड़ा देखने वाला एक राजीव जी मैं ये कह रहा था। निर्माण तो हुआ राजीव जी, गौशालाओं का निर्माण तो हुआ मगर कागजों तक समेटते रह गया। ठीक है राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ राजीव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजीव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो फिक्स करेंगे इसके बाद वापस लौटेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं दातागंज विधानसभा की, दातागंज विधानसभा में कितना कामकाज हुआ उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही अलग अलग पैमानों पर आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें की गई थी क्या वो पूरी हुई। उससे पहले आपको थोड़ा सा एक फ्लैशबैक ले जाते हैं, साल 2017 के चुनाव में 28 साल के बाद बीजेपी ने वापसी की थी और साल 1993 के चुनाव में जीत के बाद पहली बार दातागंज विधानसभा सीट पर विजय हासिल की थी। बीजेपी के राजीव कुमार सिंह ने लगभग 80,000 वोट पाए थे जो कि 35% मत थे। इससे पहले आपको बता दें कि इसके बाद निवर्तमान विधायक और बीएसपी के उम्मीदवार रहे सुनोद कुमार शाक्य थे जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे 2017 के चुनावों में, उनको 53,351 वोट मिले थे। और साथ ही साथ आपको अगर जातीय संरचना की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जात के वोटर हैं वो हैं यादव, मुस्लिम, शाक्य, ठाकुर, कश्यप, ये यहाँ पर जातिगत समीकरण है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1996 में यहाँ से सपा जीती थी, 2002 में सपा जीती थी, 2007 में यहाँ से बसपा जीती थी, 2012 में बसपा जीती थी और 2017 में बीजेपी जीती। ठीक है, तो एक बार फिर हमारे साथ विजय जी जुड़ गए हैं। विजय जी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं,
जिनके काम को लेकर आलाकमान तक ये मैसेज पहुंचा है कि काम ठीक ठाक नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, मैदान में आ सकते हैं, क्या ऐसे कयास दातागंज विधानसभा के लिए राजीव कुमार जी के साथ लगाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ पर जैसे ठाकुर बोर्ड की बात की जाए तो देखिए बड़ी संख्या में भी है, अन्य जातियां जो बैठ बैठती हैं वो भी संख्या में है। देखिए यहाँ पर अगर ठाकुर बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे तीन जो है मजबूत प्रत्याशी हैं, इसमें देखिए राजीव सिंह उर्फ राजू भैया वो भी देखिए यहाँ पे बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, राजीव सिंह उर्फ बब्बू भैया ये भी अपने दोबारा से लगे हैं, मगर कहीं ना कहीं ओमेंद्र प्रताप सिंह का भी एक नाम उभर के आ रहा है कि वो भी जो है अपनी लाइन में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के आला कमान जो है किसके लिए यहाँ पर अपनी जो कमान, मतलब बीजेपी की तरफ से भी काफी लोग दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा उसकी जो ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार जो है दातागंज सीट पर कोई नया चेहरा लाने की रखते हैं, यहाँ पर नया चेहरा कोई होगा तो जनता उससे जो है जुड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्तमान होता है तो उसके साथ विकास के साथ साथ कुछ विकास के जो रह गए हैं उनका धब्बा भी लगा हुआ होता है। तो ऐसे में बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही है कि जिससे 2022 में उसकी सीट खो दे। ठीक है, आधी आबादी यानी महिलाएं, महिलाएं क्या सोचती हैं, आसपास कोई महिला हो तो उनसे जानने की कोशिश की जाए कि विधानसभा में वो क्या सोच समझ रही हैं। मैं यहाँ पर जिस तरह से बात करूंगा, मैं एक होंडा एजेंसी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अच्छा ठीक है, व्यापारियों का समझिए, व्यापारी क्या सोच रहा है, जो माहौल है किस तरह से रहने का, व्यवसाय क्या सोच रहा है और 2022 में किसकी सरकार बन पाती है। 2000 से भागने की इलेक्शन नजदीक है, किसकी सरकार चाहते हैं हम अखिलेश जाते हैं, ऐसे कौन से विकास हैं जो अखिलेश सरकार ने कराए और योगी जी। अच्छा ये एक सेकंड विजय जी, ये पूछेगा, ये बार बार कहा जाता है कि व्यवसायियों को सुरक्षा दी गई है, पहले व्यवसायियों के साथ लूट खसोट होती थी, अब वो सुरक्षित महसूस करते हैं, जो है सवाल कीजिएगा, चलाई गई तो चलाई गई, कोई नई कानून चलाई ना, जो मतलब विधानसभा की अगर समस्याओं की बात करें किस किस तरह की समस्या तो बहुत है, काल बताई है। विजय जी आपको भी आवाज आ रही है, बहुत है, चाहे की बुराई होती है एक दूसरे की। जी विजय जी ये पूछिएगा इनसे कि बीजेपी लगातार ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि व्यवसायी वर्ग जो है वो हमसे बहुत खुश है, क्योंकि अखिलेश की सरकार में लूट खसोट होती थी व्यापारियों के साथ, व्यवसायियों के साथ, तो इनसे जरा ये पूछे क्योंकि ये व्यवसायी है, सुरक्षा महसूस करते हैं अब या अखिलेश राज में सब कुछ ठीक था? बात यहाँ पे व्यवसाय के आएंगे तो यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र से लोग ही गांव से ही हैं, मैं उनकी जैसे पिछली सरकारों में जिस तरह से लूट क्या लगता है सरकार में कम ही कम कतई ही ना भाई है, ज्यादा भाई है, कर्मचारी ने खूब पैसा लगा है, आपस में खूब आपस की पैसा लगा है, जो काम मतलब बैठे हैं। अच्छा युवा क्या लगता है 2022 में सरकार लाएंगे तो योगी जी की ऐसा क्या है कि योगी जी ने 2005 में कर दिया, भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया, पहले की जैसा नहीं रहा, अखिलेश की सरकार में जितना था अब नहीं है। अच्छा ये पूछे राजीव जी को पसंद करते हैं या योगी जी को पसंद करते हैं, योगी जी की लहर बताई जा रही है, सरकार आई है उस तरह से कम हुआ है? जी हाँ हुआ है कम, पहले ज्यादा होते थे अब उतने नहीं है। ये पूछेगा कि स्थानीय विधायक से ठीक है, आप स्थानीय विधायक से थोड़ा सा 1-2% नाराज हो सकते हैं, 20% नाराज हो सकते हैं, लेकिन योगी जी के नाम पर भी वोटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ तो कम हुआ है। और बात रोजगार की आती है तो युवाओं के लिए जो रोजगार का बात, रोजगार जो पहले था 3 साल कोरोना के हो गए, इससे पहले कई बार वैकेंसी निकली है, पूरी ईमानदारी से हुई है, पुलिस की पहले अखिलेश की सरकार में 10-10 लाख लगते देते थे, टैलेंट किसी में था अलग कोई जाता था, अखिलेश ने मेरिट पे भर्ती कराई, जैसे अपने तरफ के लग गए, चलिए अपने तरफ से लगा लिए, की तरफ से विजय जी, विजय जी को नहीं आ पाए, विजय जी आपको भी आवाज आ रही है? बिल्कुल, योगी सरकार इस तरह से भ्रष्टाचार है वो खत्म हुआ है। विजय जी मैं ये कह रहा था क्या कहेंगे योगी सरकार, अच्छी है सरकार, योगी सरकार चाहिए। अच्छा विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा बब्बू भैया बीजेपी ही चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी ठीक है विजय जी, ये कह रहा था यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की कि एक ही छत के नीचे एक सपा के हैं एक बीजेपी के हैं, एक बता रहे हैं कि कितना काम इधर हुआ, एक बता रहे हैं कि कितना काम इधर हुआ। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीनी हकीकत से हमको वाकिफ कराने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियाँ दी, लोगों से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो आज हम बात कर रहे थे दातागंज विधानसभा की। दातागंज विधानसभा में आपको बता दें कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इससे पहले यहाँ पर बसपा थी लेकिन इस बार बसपा से रचित गुप्ता जो हैं वो उन्होंने दावेदारी की है। रचित गुप्ता एक व्यवसायी हैं, ऐसे में ये देखना अहम होगा कि रचित गुप्ता के नाम पर यहाँ की जनता बंपर वोटिंग करेगी या फिर 2017 की ही तर्ज पर एक बार फिर बीजेपी के हाथ में सारा वोटर चला जाएगा। ये तो वक्त बताएगा जब मतपेटियाँ खुलेंगी। हालांकि कुछ ही दिनों में, आज से लेकर कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा कि वोटिंग की तारीखें क्या है, क्या कुछ होने को है, लेकिन अभी इंतज़ार थोड़ा बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।